मध्य प्रदेश के खंडवा के तीन पुलिया में कई हादसे हो चुके हैं। तीन पुलिया में पानी होने पर वाहन निकालने के चलते कई बार वाहन फंस चुके हैं और कई बार तो लोगों की जान भी आफत में आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें, उसके बावजूद भी लोग तीन पुलिया से होकर गुजरना बंद नहीं करते। हालांकि आज जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीन पुलिया में पानी होने के चलते वाहन फंसने का नहीं है। तीन पुलिया से रामेश्वर रोड की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ हमेशा नाले से पानी बहते रहता है और उस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। ये लोडिंग वाहन उस रोड से जब जा रहा था तो इसका पिछला पहिया उस गड्ढे में फंस गया और ऐसा फंसा कि इन सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई लोगों को काम पर लगने पड़ा। कभी गाड़ी की रेस देकर हाथों से यह वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे थे, कभी बिना गाड़ी को स्टार्ट किए धक्का मारकर कोशिश कर रहे थे, लेकिन टायर ऐसा फंसा कि इन लोगों की बहुत देर की मशक्क़त के बाद कहीं जाकर यह वाहन गड्ढे से निकल पाया और पास में से लकड़ी के गुटके लाकर इनकी मदद हुई, तब जाकर यह वाहन निकला। लेकिन कम से कम इन्हें 1 से 1.5 घंटा काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इससे अच्छा है कि तीन पुलिया के चक्कर में ना पड़े, बारिश के दिनों में तो बिल्कुल भी ना पड़े। तीन पुलिया से रामेश्वर रोड की तरफ जाने से बेहतर है कि बड़े बम से रामेश्वर रोड की तरफ जाया जाए। भले ही 2-4-10 मिनट ज़्यादा लगेगा, 10-20 रुपये का पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम इस तरीके की आफत तो नहीं आएगी। हो सके तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ लगता ज़रूर है कि पानी कम है, कई बार ये तो गड्ढे में गाड़ी फंसी है, लेकिन अक्सर तीन पुलिया को के संबंध में लोग धोखा खा जाते हैं। दूर से पानी कम लगता है, पर तीन पुलिया में जब अंदर आदमी घुसता है तो उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि अंदर पानी गहरा हो जाता है और वाहन के इंजन में पानी जाने से, प्लग पर पानी लगने से वाहन बंद हो जाता है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परेशानी आपको ना आए, इसलिए ये सलाह ज़्यादा बेहतर है मानना कि आप रामेश्वर रोड की तरफ वाया बड़ा बम होकर रामेश्वर रोड से आनंद नगर और रामेश्वर रोड से होते हुए नवचंडी की तरफ जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। इसको प्लीज़ आप ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर बने और लोगों ने परेशान होते देखे। अंदर कुछ क्या हो तो और लाना पड़ेगा। क्या निकलेगा ही नहीं वो क्या अंदर? बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक, सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने। नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।